मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुकमा जिले के मरईगुड़ा लिंगनपल्ली सीआरपीएफ कैंप में एक जवान द्वारा फायरिंग की घटना में चार जवानों की मृत्यु पर दुख प्रकट किया है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएं। श्री बघेल ने घटना में मृतक जवानों के प्रति शोक संवेदना प्रकट की है। मुख्यमंत्री ने इस घटना में घायल जवानों के बेहतर इलाज के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। लिंगापल्ली में सीआरपीएफ कैंप में जो घटना घटी जिसमें चार जवान उसमें शहीद हो गए, बहुत दुर्भाग्यजनक घटना और ये बेहद ही दुखद है और सीआरपीएफ कैंप में हुआ है। हमारे सीआरपीएफ के जवान थे। कारणों का पता लगाया जा रहा है कि किस कारण से स्थिति बनी और ये नहीं होना था जो हुआ। आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि कल रात हुई इस घटना में चार जवान मारे गए और तीन घायल हो गए। एक जवान जिन्होंने घटना को अंजाम दिया उनके हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के पश्चात स्पष्ट हो सकता है वो चारों मृतक का भी पोस्टमार्टम वगैरह नहीं फॉर्मल की जा। सुकमा एसपी सुनील शर्मा ने मीडिया को घटना के बारे में जानकारी दी। आज रात को लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच अपने को सूचना प्राप्त हुई थी कि सीआरपीएफ के मरेगुड़ा थाना अंतर्गत लिंगनपल्ली कैंप में एक जवान के द्वारा अपने साथी जवानों पर फायरिंग की गई है। इसमें फिर तस्दीक की गई तो पता चला कि इसमें 7 जवानों को गोली लगी थी। इसमें 2 जवान मौके पर ही ख़त्म हो गए थे। उसके बाद शिफ्टिंग के दौरान इलाज के दौरान 2 जवान और ख़त्म हो गए। कुल 4 जवान हमारे इसमें ख़त्म हो गए और बाकी 3 जवानों को हम लोग रायपुर शिफ्ट किए हैं बेहतर इलाज के लिए। सीआरपीएफ और जिला पुलिस मिलकर अभी रायपुर में उनका इलाज चलेगा, अग्रिम इलाज जो है, और वो लोग का कंडीशन स्टेबल है। सीआरपीएफ ने छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में अपने एक शिविर में एक जवान के अपने साथियों पर गोलियां चलाने की घटना के मामले की जांच का आदेश दिया है।